नगर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिवनी मालवा की बलराम पटेल कॉलोनी से रैली निकाले नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा नगर पालिका का घेराव किया गया। वही नगर पालिका के सामने ही नगर पालिका अध्यक्ष एवं नगर पालिका सीएमओ मुर्दाबाद के नारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए। वही कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए दो टुक का किया, जिस तरह से भ्रष्टाचार आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है बस वो कुछ समय का और है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी उसके बाद सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर कांग्रेस सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वही कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जब नगर पालिका में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस से झूमाझटकी हो गई, परंतु पुलिस कर्मियों ने कांग्रेसियों को नगर पालिका भवन में नहीं घुसने दिया, जिस पर गुस्साए कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग करने लगे, जिसके बाद नगर पालिका सीएमओ को कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने ज्ञापन सौंपा। वही ज्ञापन के बाद सभी कांग्रेसियों ने नगर पालिका के सामने ही नगरीय प्रशासन मंत्री का पुतला जलाया। पुतला जलाने के दौरान पुलिस के द्वारा जलते पुतले को बुझाने का प्रयास किया गया, जिस पर कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों में झूमाझटकी हो गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल ने सीएमओ को चेतावनी देते हुए कहा कि आज तो हम सिर्फ ज्ञापन दे रहे हैं, यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो अगली मुलाकात अब सड़कों पर होगी। कांग्रेस के नगर पालिका के घेराव में कांग्रेस जनों के साथ जो आम जनता आई है उनको मैं प्रणाम करता हूं, और ये हमारे इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट नगर पालिकाओं में सिवनी मालवा की नगर पालिका गिनी जाने लगी। यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी भाजपा का बिल जेब में रखकर काम कर रहे हैं, अंधा बातें रैली और चीन चीन के लिए वो कहावत यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सिर्फ अपनों को देखकर, चुनिंदा लोगों को देखकर काम कर रहे हैं। मरने से लेकर जीने तक और जीने से लेकर मरने तक के जो भी काम नगर पालिका में होते हैं वो बिना पैसों के लिए नगर पालिका काम नहीं करती। नगर पालिका कुछ ही दिनों की है, ये आने वाले समय में हमारी माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। हम आपको नगरवासियों पर विश्वास दिलाते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के पीछे डालकर रहेंगे और हम ईंट से ईंट बनाकर रख देंगे। हम आने वाले समय में हर बात का हिसाब लेंगे। ये जब भाजपा का बिल्ला जेल में रखकर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, वे सावधान हो जाए, वे सावधान हो जाए। जनता को प्रताड़ित करना बंद कर दे, जनता त्राही मांग करने लगी है। शर्म करो, लोगों गैरों के साथ भी अपना पन दिखाते हैं, तुम तो अपनों के साथ गैरों जैसा दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वक्ता ज्यादा है। इसी के साथ में आगे मन संचालन करने जो भी भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबसे पहले तो मैं सिवनी मालवा की सीधी सादी और भोली वाली जनता को प्रणाम करता हूं कि कैसे ये 20 सालों से भ्रष्टाचारियों को तुम लोग झेल रहे हो। अब समय आ गया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का। हम देख रहे हैं कि करोड़ों रुपए कंदेली सौंदर्यीकरण के नाम पे इन लोगों ने खा लिए, जनता चुप रही। घटिया निर्माण कार्य हुए, जनता चुप रही। हर काम में पैसा लिया जा रहा, नगर पालिका में कर्मचारियों को भी परेशान किया जा रहा, वेतन मान नहीं मिल रहा, डीजल चोरी हो रहा है, रोज झूठे बिल बनाए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग मरने वाले हैं, जो लोग मर जाते हैं, 5,000 रुपए में उनसे भी रिश्वत ली जाती है, लकड़ियों में रिश्वत ली जाती है। आखिर ये जनता कब तक सहेगी? अब जनता में जवाब देने का समय आ गया है। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और दोस्तों याद रखना कि जितने दिनों तक इन लोगों को झेलोगे आप लोगों को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। कोई भी किसी के घर का चूल्हा नहीं जलाता, हम लोगों को खुद कमाना पड़ता है जब हम अपना परिवार पाल पाते हैं, तो फिर क्यों इन भ्रष्टों को झेल रहा हुआ। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बार बार अभी शिवराज सिंह चौहान आए थे, वो स्वीकार करके गए कि पिछली नगर पालिका में इतना भ्रष्टाचार था कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा आप लोगों के सामने।
आखिर कोई का कोई भ्रष्टाचार फिर से शुरू कर दिया गया। और क्यों शुरू कर दिया गया? क्योंकि ये सिवनी मालवा की भोली भाली जनता को कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी भी पैसे के नाम पे गुमराह करके और अपनी नगर पालिका बना लेते हैं और उसके बाद में कोई का कोई भ्रष्टाचार कायम रहता है। लोग के नए चेहरे बदल जाते हैं लेकिन भ्रष्टाचार वही रहता है, कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अब इन लोगों की बातों में ना आते हुए इस बार सत्ता परिवर्तन करो तो कमलनाथ जी आप लोगों को एक नई ईमानदार सरकार देंगे। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मालवा की नई भोली भाली और हमारी प्यारी जनता, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, परंतु अब समय आ गया है, आपने इनको 18-20 साल देने और इन 18-20 सालों में इन्होंने सिवा भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया। हर मामले में भ्रष्टाचार, हर कदम पर भ्रष्टाचार। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, चाहे नगर पालिका में चले जाइए, चाहे तहसील में चले जाइए या अन्य किसी भी शासकीय कार्यालय में आप चले जाइए, बिना पैसे लिए लिए काम नहीं होता। और अब तो भ्रष्टाचार ने इतनी तरक्की कर ली है कि अधिकारी कर्मचारी अपने ट्रेनिंग के ऊपर रिश्वत लेने लगे। हालात ये है कि सारी जनता परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है। अभी मूंग की खरीदी हो रहा था और सतपुड़ा भवन में आग लग गई और सारी फाइल जलाने के चक्कर में पोर्टल भी जल गया और किसानों की मूंग खरीदी भी नहीं हो पा रही है। इन्होंने ये मान लिया कि इनकी सरकार जा रही है, ये तो अपने जो पुराने पाप है उनसे बचने के लिए ये शासकीय भवनों में फाइलों में आग लगा रहे हैं। इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है इनडायरेक्ट रूप में कि हम जा रहे हैं। मेरी आपसे एक निवेदन है कि आपने इनको बहुत सुना है, बहुत झेला है और मेरा इन सभी शासकीय कर्मचारियों से और साथियों से निवेदन है कि आप अपना व्यवहार बदलें, जनता के काम करें, जनता के बीच में जाएं, जो शासकीय योजनाएं हैं उनको ईमानदारी से लागू करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए आप लोगों के खिलाफ जंगी प्रदर्शन होगा और आप सब लोगों की सूची बनाई जाएगी और आने वाले समय में आप उन लोगों के खिलाफ जो इस लोगों को परेशान करने में, प्रताड़ित करने में शामिल रहेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए वो तैयार रहे। मैं अपनी बारी को ग्राम देने से पहले एक बार फिर जनता को प्रणाम करता हूँ और उनसे अनुरोध कर नगर पालिका के जो कार्यकलाप है, बहुत कार्यकलापों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज नगर कांग्रेस, जिला कांग्रेस, सेवादल और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस नगर पालिका का घेराव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हो रहा है प्रबुद्ध नागरिकों को प्रणाम करते हुए आज वक्त जो है वो बदलाव का वक्त है। आप सभी लोग आने वाले समय में 4 महीने के बाद चुनाव है और इस चुनाव में क्योंकि देखिए गर्मी का मौसम था, गर्मी के मौसम के बाद बरसात शुरू होने वाली है और बरसात के बाद ठंड आती है। जब हम 4 महीने से ज्यादा प्रगति किसी मौसम को नहीं झेल पाती और अगर हम 18-20 साल किसी सरकार को झेलेंगे तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा हम सभी को भुगतना है। आने वाले समय में आप लोग जागरूकता का परिचय दें और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में
कांग्रेस का सहयोग करें। आने वाले समय में कमलनाथ जी हमारे इस प्रदेश के मुखिया होंगे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तभी कहीं जाके आज वर्तमान में जो व्यवस्था है भ्रष्टाचार है उस व्यवस्था में परिवर्तन होगा। इसी आशा विश्वास के साथ कि आने वाले समय में आप लोग इस निकम्मी और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अपना जनादेश देंगे, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। केवल कमाऊ भूमि पे कंदेली नदी जो हमारे वर्षों से चली आ रही है ऐतिहासिक, वो एक ऐसी हो गई है, एक चारागाह हो गई है। लगातार सौंदर्यीकरण के नाम पर जब देखो जब नगर कंदेली का सौंदर्यीकरण और करोड़ों रुपए खर्च, जब देखो जब नगर पालिका को कंदेली का सौंदर्यीकरण और करोड़ों रुपए खर्च। एक बाईपास है, जब से सरकार आई है युवराज की तब से बाईपास लगातार बनता जा रहा है। तो ये चलो चलो की मेला है, चलो चलो की मेला में चार महीने के बाद सरकार पहुंची जाने वाली है। इसके बाद जो जनता की सेवा और जनता के हित के काम होंगे वो कांग्रेस की सरकार करेगी, कमलनाथ जी करेंगे, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। और जो नगर पालिका अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह न दे सके, जो कर्मचारियों को 20-30 वर्ष हो गए उन्हें स्थायी न कर सके, ऐसी सरकार को कब तक झेलेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आओ और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करो और कमलनाथ जी को आने वाले समय को भरोसे बनाने में हमारा सहयोग करो। इसी क्रम में नगर कांग्रेस और कांग्रेस परिवार के द्वारा नगर पालिका को कुछ ज्ञापन देने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं। वक्ता बहुत है, पीछे ट्रैफिक की जाम है। मैं केवल एक चीज पूछना चाहता हूं कि मोदी जी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार बनाओ, सिवनी विधानसभा में और नगर पालिका में चार इंजन की सरकार है। यहाँ विधायक भी यही बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं और अधिक से अधिक वार्डों में पार्षद भी बीजेपी के हैं। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी के पार्षदों को अपनी पार्षद नगर पालिका के खिलाफ दस्तक देना पड़ता है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। होशंगाबाद में बोला जा रहा है, वहां पे पार्षद बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। चार इंजन की सरकार है, इंजन ज्यादा है, डब्बे कम है, तो पेट्रोल और डीजल तो इंजन में ज्यादा लगेगा ही ना। तो सारे इंजन डीजल खा रहे हैं और जनता परेशान है, काम कुछ होने आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या है, 12 तारीख को बोला था मूंग खरीदी चालू कर देंगे, आज 19 तारीख होने को है लेकिन मूंग खरीदी नहीं हो रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये धोखली और निकम्मी सरकार को बदलने का समय आ गया है। और एक चीज और है, पुराने समय में काम की देरी होती थी, आपके समय शादियां होती थी तो बारात लेट लगती थी, उसका कारण था कि घोड़ा वाला दूसरा आता था, बाजा वाला दूसरा आता था, फटाका वाला दूसरा आता था, बारात लेट होती थी, बारात अच्छी लगती थी। लेकिन आज आप डीजे वाले के पास जाओ तो वो घोड़ा वाला भी पूछता है, फटाका वाला पूछता है, पूरा पैकेज साथ में करता है। एक ही एक बारात स्थानीय विधायक चला रहे हैं, अपना रोड, अपने ठेकेदार, गांव में अपना मट्टी वाला और फाटक तो ठीक है, गांव गांव उन्होंने निछावर वाले भी खड़े कर दिए। तो इन सबको बदलने का समय आ गया है। और मैं सिवनी मालवा की जनता से अपील करता हूँ कि सब लोग इस बार अमन में सहभागी बने और एक एक अहूती कांग्रेस के नाम की वोट के द्वारा छोड़े और ये दो मिली वर्ष की सरकार को बदले। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। देखता हूँ वही बोलने का आदि हूँ और मैं अपने जिले का सबसे बड़ा प्रभारी हूँ। आज सिवनी मालवा की नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन में जो बातें निकल कर आए, मुझे ये दुख हो रहा है ये सब सुनकर कि हमारे जिले की सबसे विकसित विधानसभा सिवनी मालवा में ऐसी नगर परिषद बैठी है कि जिसके मुखिया ही कह रहे हैं कि ये तो हफ्ते भर भ्रष्टाचार है। वे मुखिया भी हैरान है कि उन्होंने महाकाल में जो भ्रष्टाचार किया वो आप सबको देखा कि 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
जो हवाएं चली उन्होंने वो सप्तियों में से छह नदियों को फाड़ ले गई, जो मूर्तियां 25-25, 30-30 लाख की बनी है, असम प्राइस उनकी 4 से 5 लाख रुपया थी। मुख्यमंत्री जी यदि के हैरान हो गए कि दिल्ली मालवा में भी हमसे बड़ा भ्रष्टाचार ही बैठे, रेत चोरों की घर स्थली ये बन चुकी है। और याद रखना, माननीय सीएम महोदय, कि जाते जाते अगर तुम ये नगर पालिका चला जाओ तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके कागज बचे रहे तो तुम्हारी जगह क्या होगी आप अच्छी तरह जानते हो। हमारी बसों से नगर पालिका रही है, हम पान सुपारी के भाव से, तेल कंदी के भाव से, काजू किसमें तो सोना चांदी का भाव जानते हैं कि सिवनी मालवा की कौन सी दुकान पर कौन सा भाव कितना होगा, कितने के तुम खंभे ला रहे हो, कितना लगा रहे हो, कितने के तुम्हारे ये लाई जा रहे हैं, बोले तो कितना बिल काट रहे हो, हम सबसे वाकिफ है। समय का इंतजार करो समय का। और धर्म की बात तो ये है कि मेरे पूर्व वक्ता ये बता रहे थे कि मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में या जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में अगर आपके बाबू आपके जो विभाग के अधिकारी हैं अगर वो रिश्वत ले रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी सरकार बात कुछ हो नहीं सकती। लाडली साहब के मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, जाते जाते उन्हें बहनों की याद आ गई। पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, तो लाडली लक्ष्मी के योजना में जो हमारी बहन बेटियां उनका क्या हाल हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, ये सब वाकिफ है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ क्या नहीं किया। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो आपके भारतीय जनता पार्टी का जिला मुख्यालय है कि और सब जगह छोड़ दो, आपके तो मुख्यालय में ही हो रहा है। इससे आपको पता लगता है कि आपके सभ्यता और संस्कृति और विचारधारा के अनुरूप है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि धर्म और जाति और भेद और भाव के अनुसार हमने वोट दी और मध्य प्रदेश की एक सबसे अच्छी और विकसित राज्यसभा में भ्रष्टाचार को बुलाकर बिठा दिया। और ये बड़े शर्म की बात है, लेकिन अभी का अंत होता है और अंत सबको दिख रहा है। आज अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको अगर अपनी बहनों की याद आ रही है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 18 से 22 साल की जो बहन बेटियां हैं वो इनकी बहन नहीं लगती। जो 60 साल के ऊपर की हमारी माताएं हैं उनके रोजगार के लिए आप इनको 1000 रुपए नहीं दे सकते थे। क्या कारण है कि 18 से 22 साल और 60 साल के ऊपर की हमारी माताओं को आप 1000 रुपए से वंचित रख रहे हो? क्या कारण है कि आप किसान के इधर जो हमारी माताएं बहने हैं, किसान छत्राइयों को आप इस योजना से वंचित रख रहे हो? क्या कारण है कि आप हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी है, सरपंच हो, पटवारी हो, हमारे छोटे मोटे हमारे ये बेचारे स्कूलों में पढ़ाने वाले समझा शिक्षक हो, उनके यहाँ की उनकी पत्नियों को आप सुविधा से वंचित रख रहे हैं? दरअसल बात यह है कि लेना देना कुछ है नहीं है। और अभी जो मुझे जानकारी ये लगी है कि एक घर में अगर 3 बहुएं हैं तो 7 के खाते में डाल के कोई बहू के खाते में डाल दिया तो और दिक्कत हो रही है। देवरानी पूछ रही है जिटानी से तुम्हारे खाते में आएगा, जिटानी पूछ रही है सास से तुम्हारे खाते में आएगा, ये ओरिजिनल स्थिति है। सब पत्रकार बंधु यहाँ पर खड़े हैं, आप जाके पता चले 2000 रुपया जो देते थे किसानों को 4 महीने से नहीं दिए, वो 4 महीने के रोक के आप एक घर में 1000 रुपए दे रहे हैं। ये आपकी योजनाएं हैं और आपकी कथनी और करनी पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने समझ ली है। आदरणीय शिवराज सिंह जी, अब आप कितना भी चिल्ला लो, कितनी भी नौटंकी कर लो, 15 गुलाटी मार लो, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आपके झांसे में आने वाले नहीं है। आपके मध्य प्रदेश में
भ्रष्टाचार हो रहा है। अरे आपने भगवान शंकर के जब वहां से लोग को नहीं छोड़ा तो आप धरती के अन्य किसी प्राणी को क्या छोड़ेंगे। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जो आपने उज्जैन में रखी, मैं समझता हूं कि ये इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में आपको भ्रष्टाचार को हम लिखेंगे कि भगवान और हद तो जब हो गई कि जब इनके मंत्रियों से पूछा गया कि ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ तो मंत्री कहने लगे ये हमारे सिस्टम में नहीं था, ये कल्पना तो कमलनाथ जी की थी। क्योंकि कमलनाथ जी ने ये कहकर डाल दिया कि भैया पीतल की मूर्तियों की जगह आप राजसभा पैलेस में आओ। कुल मिलाकर बात ये है, आज परिस्थिति सिंधी मालवा की मैं देख रहा हूँ, आया साथ बीज के लिए किसान परेशान है, कोई भी सोसाइटी में यूरिया डीएपी नहीं है, सोयाबीन के अच्छी उत्तम किस्म के बीज नहीं है। परेशानी ये है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो जनता से द्वारा चुने हुए हैं, चाहे वो भोपाल में बैठे हो चाहे ब्रस्ट बिल्डिंग में बैठे हो, किसी को सुन रही है कि आज हम इनके साथ खड़े हो जाए। मैं बधाई देता हूँ सिंधी मालवा कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त नेताओं को, समस्त हमारी माताओं बहनों को भी दोपहर में यहाँ पर आए और आकर इसे नगर इसे सिंधी मालवा नगर पालिका को जलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं चेतावनी देता हूँ कि अगर इतने पर भी सीएमओ और अध्यक्ष जी की आंखें नहीं खुली तो ये सिंधी मालवा के चौराहे पर वो धरना दिया जाएगा जो इतिहास में अजर अमर हो जाएगा। हम जानते हैं सिंधी मालवा का इतिहास कि यहाँ पर 5-5, 7-7 दिन भी लोगों ने दुकानें बंद करके रखी हुई है, ये आपका इतिहास है। अभी बाईपास रोड का ख्याल आया था किसी को, अगर बाईपास रोड पर से कोई बाईपास सर्जरी वाला निकल जाएगा तो भैया मुकेश भाई या स्थिति हो कि उसका बाईपास ही हो जाएगा, वो दुनिया से पास कर जाएगा। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपको घर से निकलोगे तो गड्ढे में फैल जाएगा। अभी मुझे किसी ने बताया कि अभी बारिश होगी, पूरी नालियां पन्नियों से गंदगी से सनी पड़ी हुई है, कोई कर्मचारी अधिकारी सुन लेने वाला नहीं है, ये सारी परेशानियां है। मेरी आवाज अगर सीएम तक जा रही हो तो मेरा अनुरोध है, सरकारें आती जाती रहती है और इतने बेवकूफ किस्म के अधिकारी तो नहीं होंगे कि ये हवा जो चल रही है, ये हवा का रुख जो पलट रहा है, ये आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आना है तो समझ लो और नहीं आना है तो 4 महीने बाद हम आगे समझा देंगे। मैं आज इस नगर परिषद में बैठे तमाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके बाशिंदों का मैं विरोध करता हूँ, उनकी नीतियों का, उनकी नीयत का, उनकी पार्टी का विरोध करता हूँ और पूरे कांग्रेस को धन्यवाद देता हूँ और आग्रह और आशा करता हूँ कि हर गरीब जनमानस की उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहे। जब कभी बुलाओगे आऊंगा और पत्रकार बंधु आपसे भी मेरा अनुरोध है कि हर गरीब जनमानस के भी आप भी हमारे तरह एक सेवक है, उनकी आवाज उठाइए, इनके कारनामों को लिखिए ताकि पूरा मध्य प्रदेश देख सके कि सिवनी मालवा जो एक जमाने में विकसित और बड़े नाम पर विधानसभा हुआ करती थी वो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। धन्यवाद। जय बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेग
अरे भाई कोई सक्षम अधिकारी हो तो उसको यही बुला लो, उसको यही बुला लो। सीएमओ से हमको, सीएमओ को कोई झूम तो है नहीं रहे भाई, बुलाओ ना कोई सक्षम अधिकारी जिसको हम ज्ञापन सौंप सके। और अगर सक्षम अधिकारी नहीं हो तो जहाँ से इस्तीफा दे के चले जाए। नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नगर पालिका सीएमओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका सीएमओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका सीएमओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दो, चलेगी नहीं चलेगी, भाई आगे आ जाओ, आगे जाओ, सीमा सलाम, आगे जाओ, शांत रहो, शांत रहो। भाई भाई चलिए एक मिनट, एक मिनट, जो बातें हैं मैं इनको पढ़कर सुना दे रहा हूँ। माननीय सीएमओ महोदय, ये बड़ी शांत की बात है, कहीं जाते हैं तो सुनाई नहीं होता हम लोगन की, जहाँ भी खड़े होते कोई सुनाई नहीं होता है हम लोगन की। नगर पालिका कर्मचारियों का समय पर वेतन देना सुनिश्चित किया जाए, ये बड़े शर्म की बात है। आप अपने कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं दे पा रहे हैं। नगर पालिका द्वारा 28 मई 2022 को अपनी हमारी बात सुन लें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जो विवाह कराए गए थे, शासन द्वारा अभी तक उन्हें कन्यादान राशि प्रदान नहीं की गई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सीधी सीधी उड़ाना है, जमाने भर में मुख्यमंत्री चिल्लाते पड़ते हैं। उनकी ही भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका के अध्यक्ष रहते हुए आप उनको राशि भेंट नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को तीसरी किस्त अभी तक प्राप्त नहीं हुई, ये भी बड़े शर्म की बात है। नगर पालिका क्षेत्र के दोनों टाइम नर्मदा पेयजल उपलब्ध कराया जाए, क्षेत्र के क्या है इसमें नगर पालिका द्वारा पानी सिर्फ एक टाइम दिया जा रहा है, वहीं जानवरों के जलकर वसूल राशि पूरी, जलकर की राशि वसूली जा रही है, तो राशि आधी वसूली जाए ये न्यायिक बात है। पानी एक टाइम दिया जा रहा है, वो राशि दोनों तरफ की वसूली जा रही है, ये गलत बात है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नगर पालिका द्वारा हाट ठेला एवं बाजार वसूली की जा रही है, जिसे जल्द से जल्द बंद की जाए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, आप सबको मालूम है, हमारे पत्रकार साथियों को पता है कि हम इनसे वसूली नहीं लेंगे, फिर भी वसूली की जा रही है। अरे आदेश मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कहते हैं कि आदेश की क्या जरूरत, मैंने बोल दिया आदेश जारी हो गया। नगर के आमजन हेतु एकमात्र पार्किंग स्थान है, जिसे भी नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा वसूली की जाती है, जिसे जल्द से जल्द बंद कराई जाए, पार्किंग को फ्री किया जाए। मेन रोड के दोनों सड़क पर बनी नाली क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसकी सफाई और एवं मरम्मत की जाए। ये तमाम जो हमारी मांगे हैं इन पर विचार करें, और अगर नहीं होता है तो साहब हम 3-3 साल से लोगों के नामांतरण पेंडिंग है नगर पालिका में, जो लोगों ने मकान पारिवारिक व्यवस्थापन में लगा के रखे हैं, प्लॉट लगा रखे हैं, 3-3 साल से नगर पालिका नामांतरण नहीं कर रही है। तो एकदम स्लो मीडिया में बनावना था ये और अगली मुलाकात आपकी हमारी सड़क पर होगी। भाजपा
की खराब है कि नहीं निकल पाते बरसात में। नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष इस्तीफा दो। आज सिवनी मालवा नगर कांग्रेस और सिवनी मालवा के समस्त कांग्रेस जनों के साथ मिलकर भाजपा ने जो भ्रष्टता की चरम सीमा को पार किया है, आपने देखा होगा कि हमारे कांग्रेस जनों के साथ आम जनता भी आज आई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस भ्रष्ट नगर पालिका के कारण। भ्रष्ट नगर पालिका में पार्षद सबसे ज्यादा भाजपा के, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का, यहाँ का विधायक भाजपा का, यहाँ का सांसद भाजपा का, यहाँ का मुख्यमंत्री भाजपा का, उसके बाद भी जनता त्राहिमाम कर रही है। भ्रष्टता इतनी बढ़ा दी गई है कि जरा जरा से काम में एक भी काम बिना पैसे के नहीं हो रहे। उस भ्रष्टाचार से लोग त्राहिमाम कर रहे। अभी पत्रकार साथियों ने पूछा था कि अब क्यों, इतने दिनों बाद क्यों याद आई। लोग सह रहे थे, सहते सहते जब उसकी चरम सीमा पर पहुंच गए, अब सहना बंद करने मरने की स्थिति आ गई। लोग जीना तो छोड़ो, मरने को मजबूर है, अपने लालन पालन करने को मजबूर है। इसलिए आज हम लोगों को यहाँ पर सड़क पर उतरना पड़ा और नगर पालिका के घेराव के लेकर आना पड़ा। अगर नगर पालिका के अधिकारी आज भी नहीं सुधरे तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसकी सारी जवाबदारी नगर पालिका की होगी। किस तरह का प्रदर्शन किया गया है, क्या कारण है? देखिए, आप सब जानते हैं जिस प्रकार के सिवनी मालवा इसमें नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रधानमंत्री आवासों से पैसा लिया जा रहा है, हितग्राहियों से मुख्यमंत्री आवासों का पैसा लिया जा रहा है, तीसरी किस्त दे नहीं जा रहा है, सफाई हो नहीं रही पूरे शहर में, और शर्म की बात यह है कि मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी अगर पैसा लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की सबसे भ्रष्ट पंचायत नगर परिषद नगर पालिका है और इसके भ्रष्टाचार के विरुद्ध और हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब क्या रूप देखा रहेगी अगर आपकी मांग? देखिए, हमने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ को ज्ञापन दे दिया है। अगर हमारी मांगों पे काम शुरू नहीं होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो हम फिर एक बड़ा आंदोलन फिर आपके सामने आपके शहर में करेंगे। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इस तरीके की नगर पालिकाओं को लेकर कांग्रेस की क्या प्लान रहेगा? देखिए, हमारे सभी वरिष्ठ नेता बार बार मंचों से कह रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाकर रखिए और कमलनाथ जी की चक्की आप जानते हैं, जब धीमी तो चलती है लेकिन बड़ा बारीक पीसती है, और जब पीसती है तो उसका मजा भी आता है। जितने भी मध्य प्रदेश में इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी जहाँ जहाँ भी है, इनकी सूची तैयार कर रहे हैं। इन सब सरकार बनने के बाद इन सबको हम आपके सामने क्या फैसला होगा ये आप सब जानेंगे। भैया, चार पंचवर्षीय तो भाजपा की हो गई है, ये पांचवी हुई है, हो गया ये विधानसभा के टाइम में कांग्रेस को याद आई है कि जनता की इसके पहले? देखिए, जब समय समय पर हमने हमेशा धरना प्रदर्शन किए हैं, पूरे जिले में करते रहे हैं। अब रही बात है, चार विधानसभा हो गई तो मैं समझता हूँ कि सिवनी मालवा की जनता क्यों ऐसे भ्रष्टाचारियों को चुन रही है, ये तो सिवनी मालवा की जनता तय करे। हमको चुना था, हमने पिछले 70 सालों में जो किया, ये नहरें, ये विकास, ये बिजली, ये गांव-गांव में आपके जो स्कूल है ये सबके सामने है, कॉम्प्लेक्स सबके सामने है, शहर का विकास सबके सामने है। सिवनी मालवा आ जाओ, पूरे भारत में चले जाओ, किसके नाम से जानी जाती, ये सबके सामने है। इन भ्रष्टाचारियों को कौन पूछने वाला है? लेकिन आज तकलीफ हमें ये है कि इतने अच्छे और इतने शानदार विधानसभा में ऐसे लोगों को पब्लिक अगर बिठाल रही है तो इसमें हमारा क्या दोष है? भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल निश्चित हो गए, शुद्ध के खिलाफ युद्ध हमने ही शुरू किया था और इसी से घबराकर सारे अशुद्ध लोग इकट्ठे हुए और सरकार गिरी।